हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एक वेलवेट का बहुत ही ट्रेंडिंग डिज़ाइन। ये आउटफिट हमने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में रेडी किया है। अगर इसकी मार्केट प्राइस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। ये डिज़ाइन बनाने के लिए मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, सो मैंने आप लोग की रिक्वेस्ट पर ही ये ड्रेस बनाई है। जिन व्यूवर्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहती हूँ, आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे, उसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ब्लू कलर का वेलवेट फैब्रिक लिया है। ये 3 मीटर वेलवेट फैब्रिक है। सबसे पहले हम अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे, उसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर दिया है और यहाँ पर हम अपने मेजरमेंट के हिसाब से मार्किंग करेंगे। यहाँ पर इस कुर्ती की लेंथ हमने 45 इंच ली है एंड 7 इंच पे हमने यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग की है एंड 7.5 इंच पे आर्म होल की मार्किंग की है एंड 14 इंच पे वेस्ट की एंड हिप राउंड की मार्किंग 23 इंच पे की है। यहाँ पर हमें तीनों ही मार्किंग इस तरीके से करनी है और आर्म होल का शेप दे देना है। आर्म होल का शेप देने के बाद हम बस्ट की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमने 11 इंच पे बस्ट की मार्किंग की है एंड 10 इंच पे वेस्ट की मार्किंग की है एंड हिप राउंड की मार्किंग हमने यहाँ पर 11 इंच पे की है। जिस तरीके से हमने मार्किंग की है उसी तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सो ये देखिए, यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसका बैक वाला पैनल अलग कर देंगे एंड जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। सो ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है। ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की लेंथ हमने 20 इंच एंड विड्थ इसकी 8 इंच रखी है। यहाँ पर हमने स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर दिया है एंड रिस्ट से हमें यहाँ पर कोई कटिंग नहीं करनी है। इसी तरीके से हमें स्ट्रेट रखनी है। आप लोग चाहें तो और थोड़ा सा बढ़ा कर रख सकते हैं, बट मैंने बिल्कुल स्ट्रेट स्लीव्स कट की हैं। यहाँ पर हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हम इसको ओपन करेंगे एंड वन साइड से ये एक्स्ट्रा कटिंग करनी है जो कि हमारा फ्रंट में आएगा। अब हम नेक बना के रेडी करेंगे। यहाँ पर हमने पेस्टिंग पेपर ले लिया है। ये 0 नंबर का पेस्टिंग पेपर है। इसकी लेंथ 8 इंच एंड विड 5 इंच है। यहाँ पर 3.5 इंच की विड एंड 7 इंच की लेंथ की हमें मार्किंग करनी है। ये देखिए, यहाँ पर हमें स्केल की हेल्प से बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। अगर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी तो हमारी जब लेस हम जॉइंट करेंगे तो उसमें प्लेट आ जाती हैं। सो ये हमें बिल्कुल स्ट्रेट बनाकर कट करना है। ये देखिए, अब हमें इसको वेलवेट की फैब्रिक पर ही पेस्ट किया है। अब जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसमें हमें सेंटर में इस तरीके से नेक रख के इसके दोनों ही साइड्स में हमें स्टिच लगानी है। स्टिच लगाने के बाद 1 पैर का मार्जिन लेकर हम इसको कट कर देंगे और फिर इस नेक को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने ये 2 तरीके की लेस ली है। ये पतली लेस है और ये हम पहले लगाएंगे और सेकेंड नंबर पे हम यहाँ पर ये चौड़ी वाली लेस लगाएंगे इस तरीके से। अब आप लोग देखिए कि ये लेस हमने किस तरीके से लगाई है। यहाँ पर हमने सिंगल स्टिच से लेस लगाई है। यहाँ पर हमारा वेलवेट का फैब्रिक है तो हमने इसमें डबल स्टिच नहीं किया है। ये देखिए, हमारी फर्स्ट लेस है वो लग गई है। अब यहाँ पर हमें इसमें 1 पैर का ही मार्जिन देके सेकंड लेस को अटैच करना है। इसको हमने पहले एक साइड से यहाँ तक लगा दिया है। उसके बाद हम इसमें मैं देख रही हूँ कि इसका वी किस तरीके से बनाना है। सो जो इसका सिंपल मेथड है उस तरीके से ही हम बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से आएगा और फिर यहाँ पर हमें दूसरी साइड स्टिच लगाना है। अब जब हम अपना वी बनाएंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में एंड इक्वल आएगा। सो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, इस तरीके से बस फोल्ड करके इस पर एक स्टिच लगा देना है। ये हमारी लेस जॉइंट हो गई है। अब हम इसके साइड में भी एक स्टिच लगाते जाएंगे इस तरीके से। आपको वेलवेट को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, क्योंकि अगर ये बिल्कुल भी खींचेंगे तो इसमें प्लेट्स आ जाएंगी, गैदरिंग्स आ जाएंगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं वेलवेट पे। सो अब हम दूसरी साइड भी इसके लेस पे स्टिच लगा लेंगे।
जिन व्यूवर्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है सो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये हमारी लेस लग गई है। अब हमने जिस तरीके से यहाँ पर लेस लगाई है उसी तरीके से हमने यहाँ पर स्लीव्स पे भी लेस जॉइन करनी है। ये देखिए ये हमारी स्लीव्स हो गई है एंड नेक भी रेडी हो गया है। अब हमें बैक वाला पार्ट रेडी करना है। ये देखिए सिंपल हमने इसमें राउंड नेक बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमारा वेलवेट वाला फर्स्ट पैनल एंड बैक पैनल दोनों ही इस तरीके से रखना है। फिटिंग का स्टिच लगाना है और फिर इसके शोल्डर्स पे स्टिच लगाना है एंड इसके स्लीट्स फोल्ड करने हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने स्टिच लगा लिया है। अब हमें इसकी स्लीव्स ज्वाइन करनी है। आप लोग चाहें तो पहले भी ज्वाइन कर सकते हैं लेकिन बाद में ज्वाइन करते हैं तो इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है, सो ट्राई करें कि बाद में ही ज्वाइन करें। इसके साथ हमने नॉर्मल ही पैंट बनाई है और अगर आप लोग को इसकी पैंट की वीडियो देखना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।